हाय फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ तक का स्वेटर मैंने इसके पहले के वीडियो में बना के बताया है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके इसके ये पहले की वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले की कटिंग तक इसकी लंबाई पूरी कर ली है। ये देखिए, यहाँ मोडे की कटिंग से मैंने 2.5 इंच लंबा बनाया है। देखिए यहाँ पर इतना बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बीच देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 गले की कटिंग करने के लिए हमें फंदों को 2 पार्ट में बांटना है। देखिए यहाँ पे ये बीच का फंदा है ये वाला, और मेरे यहाँ पे इस साइड में 46 फंदे हैं और इस साइड में 46 फंदे हैं, और बीच में ये एक फंदा है। इस एक फंदे को हम सेफ्टी पिन पर निकाल लेंगे, यह हमें बॉर्डर बनाते टाइम काम में आएगा। देखिए पहले हम इस साइड का बुनेंगे, इस साइड की जब हम बुन लेंगे उसके बाद फिर हम इस साइड का बुनेंगे। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, देखिए डिज़ाइन को हम रिपीट करते हुए यहाँ से हम यहाँ पे बीच में आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी बना ली है। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच वाला फंदा है, इस फंदे को हम सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये 3 फंदे रखे हैं। देखिए ये वाली डिज़ाइन के बाद देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे हैं। ये वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए ये 2 फंदे इस तरह से एक साथ इस तरह से ऐसे बुन लेंगे इस तरह, और एक ये वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे और ये वाला फंदा हम सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे। देखिए ये बीच वाला फंदा इस तरह से, ये हमें बॉर्डर बनाते टाइम काम में आएगा ये फंदा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया है, अब इसे पलट लेंगे और इसकी ये उल्टी सिलाई हम डिज़ाइन को बनाते हुए पूरे करेंगे। उसके बाद जब हम सीधी तरफ से आएंगे तब फिर से हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए ये वाला फंदा, देखिए हम डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। जितनी डिज़ाइन हमारी यहाँ पे बचती है उस डिज़ाइन को हम रिपीट करते हुए जाएंगे। तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे। देखिए अब हम ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पे हम ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन को बनाते हुए बना लेती हूँ। ये पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ पे देखिए हमें फंदों को पलटना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं डिज़ाइन को रिपीट करते हुए यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना ली है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 फंदे रखे हैं। अब ये 2 फंदों का हम एक करेंगे और एक ये वाला फंदा हम सादा बुनेंगे। देखिए ये 2 फंदों का एक कर देंगे और एक ये वाला फंदा हम सादा बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से ख़त्म होते हुए चली जाएगी। जितनी डिज़ाइन हमारे यहाँ पे बचती है उतनी डिज़ाइन हमें बुनते हुए जाना है। अब इसे पलट लेंगे और इस तरह से देखिए हम बुनते हुए जाएंगे।
देखिए इस तरह। तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे डिजाइन को हम बनाते हुए, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे ये वाला फंदा बुनेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को बना लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना ली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में ये वाली डिजाइन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये एक फंदा हम बुनेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। तो ये वाला एक फंदा बच रहा है, तो इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और ये दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह, और ये वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे। अब डिजाइन को हम बनाते हुए ये वाली लाइन हम यहाँ से यहाँ तक पूरी करेंगे। मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और ये वाली लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हम ये दो फंदों का एक करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, देखिए यहाँ पे डिजाइन को हम रिपीट करते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक इसे बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई है। यहाँ पे देखिए ये तीन फंदा, देखिए यहाँ पे ये वाले डिजाइन, यहाँ पे ये दो फंदों का हम एक करेंगे। और ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये डिजाइन बंद होते हुए जा रही है। अब इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन को रिपीट करते हुए हम ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी लाइन पूरी हो गई है। इसे पलट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे, उसके बाद हम ये दो फंदों का एक करेंगे। मैं इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बना ली है। यहाँ पे देखिए डिजाइन इस तरह से यहाँ पे ख़त्म होते हुए जा रही है। अब यहाँ पे हम ये एक फंदा बुनेंगे उल्टा और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। देखिए इस तरह, और ये एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक फंदा उल्टा, देखिए इस तरह से, देखिए अब डिजाइन को हम रिपीट करते हुए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे और डिजाइन बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। तो मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन यहाँ तक पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम ये दो फंदों का एक करेंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह। अब इसे पलट लेंगे।
ये देखिए इस तरह से अब हम डिजाइन को रिपीट करते हुए ये पूरी लाइन बनाएंगे। तो मैं ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम बुनेंगे, उसके बाद हम दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये चार फंदे हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली डिजाइन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। इस तरह से, और ये एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे ये इस तरह। अब इसे पलट लेंगे देखिए इस तरह से। अब डिजाइन को बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक ये लाइन पूरी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और इसकी ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई है। अब यहाँ पे हम ये दो फंदों का एक करेंगे, देखिए, और ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ये इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे और इस तरह से डिज़ाइन को हम रिपीट करते हुए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी कर लेंगे। देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और इसकी ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद हम ये दो फंदों का एक करेंगे। तो मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम ये दो फंदों का एक करेंगे। ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसे पलट लेंगे और यहाँ पे डिजाइन को हम रिपीट करते हुए ये वाली लाइन हम पूरी करेंगे। देखिए इस तरह मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। तो मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पूरी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर हम ये दो फंदों का एक करेंगे। तो एक ये वाला फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे और इसके उल्टी लाइन हम डिजाइन को बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे। अब देखिए, इस लाइन में हम डिजाइन को बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अब हमें यहाँ पे ये दो फंदों का एक फंदा नहीं करना है। देखिए, इस लाइन में हम ये पूरी लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इस लाइन को बना लेती हूँ। देखिए, डिजाइन को रिपीट करते हुए हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लूँगी। यहाँ पे मैं दो फंदों का एक फंदा नहीं करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना ली है। यहाँ पे देखिए लास्ट में, अब हमें ये दो फंदों का एक फंदा नहीं करना है। देखिए इस तरह से ये वाली डिजाइन हम इस पर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दो फंदे हैं। तो इस तरह से हम इसे उल्टा बना देंगे, धागा खींच देंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरह। अब इसके बाद हम उल्टी लाइन बनाएंगे और फिर जब हम सीधी लाइन बनाएंगे तो फिर हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे ये वाली लाइन बना लेती हूँ। देखिए, हम डिज़ाइन को रिपीट करते हुए यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन बना ली है। अब इसे पलट लेंगे और ये सीधी लाइन में हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक बना ली है। यहाँ पे देखिए, ये तीन फंदे हैं। यहाँ पे हम ये दो फंदों का एक करेंगे। देखिए ये दो फंदों का। इस तरह से। और ये वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, हम जब ये उल्टी सिलाई बनाएंगे तो फिर हमें फंदे नहीं घटाने हैं, और जब हम सीधी सिलाई बनाएंगे उसमें भी हम फंदे नहीं घटाएंगे, फिर जब हम उल्टी बनाएंगे उसमें भी नहीं घटाएंगे, फिर जब हम सीधी बनाएंगे तब हम उसमें ये दो फंदे का एक करेंगे। मतलब देखिए, एक उल्टी, दो सीधी, तीन उल्टी, उसके बाद जब चौथी सिलाई हम बनाएंगे ये सीधी वाली, तब हम यहाँ पे दो फंदों का एक करेंगे। हर चौथी सिलाई में हमें ये दो फंदों का एक करना है। उल्टी, सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, तब हम इसमें फंदे घटाएंगे। देखिए इसी तरह से हर चौथी लाइन में हम फंदे घटाते हुए इसकी लंबाई पूरी करेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए। देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे घटाया था, हर दूसरी सिलाई पे जितनी सीधी सिलाइयाँ हमने बनाई हैं, हर सीधी सिलाई में हमने यहाँ पे फंदे घटाए हैं, लेकिन यहाँ पे हर सीधी सिलाई में फंदे नहीं घटाने हैं। तो मैं ये इसकी लंबाई पूरी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है। देखिए यहाँ मोड़े की कटिंग से 9.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, यहाँ से इतना। अब जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट बनाया है उसी तरह से हमें ये वाला पार्ट भी बनाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद हम हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 25 फंदे रखे हैं। जब हमारे यहाँ पे 25 फंदे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें फंदे नहीं घटाने हैं। देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे 25 फंदे हो गए थे तो मैंने यहाँ पे चौथी सिलाई पे फंदा नहीं घटाया है। इस तरह से जब आपके यहाँ पे 25 फंदे हो जाएंगे, जहाँ भी आपके 25 फंदे हो जाए आप वहीं से उसे बंद कर दीजिए फंदे घटाना, क्योंकि हमें कंधे के लिए 25 फंदे चाहिए, इसलिए हम 25 फंदे इस पे रखेंगे, नहीं घटाएंगे यहाँ पे। देखिए
इसी तरह से मैं ये वाला पार्ट भी बना लेती हूँ। इसके लिए देखिए हमें अलग से धागा लेना रहेगा। यहाँ पे इस तरह से ऐसे गांठ लगा लीजिए। देखिए हम यहाँ पे इस साइड से बुनते हुए आ रहे थे, तब हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे, और इस पार्ट में हम यहाँ से फंदे घटाएंगे, उसके बाद हम बुनते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम दोनों एक ही साइड में फंदे घटाएंगे। जैसे हम यहाँ से बुनते हुए आ रहे थे, यहाँ पे घटाए थे, यहाँ पे घटाएंगे, फिर यहाँ से हम बुनते हुए जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये एक फंदा देखिए यहाँ पे किनारे पे रखा था, उसी तरह से हम ये वाला एक फंदा किनारे पे रखेंगे। देखिए इस तरह। और हम ये दो फंदों का एक करेंगे। देखिए इस तरह से ये दो फंदों का एक कर लेंगे ऐसे। अब डिजाइन बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और इसके उल्टी साइड में हम डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे। मैं ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे देखिए सीधी तरफ। अब हम यहाँ पे ये वाला एक फंदा बुनेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था उसी तरह से। देखिए ये वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और ये दो फंदों का हम एक करेंगे। और ये वाली डिजाइन हम बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे और उल्टी सिलाई बनाएंगे। उसके बाद जब हम सीधी सिलाई बनाएंगे, तब हम यहाँ पे ये दो फंदों का एक करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट बुना है, उसी तरह से ये वाला पार्ट भी हमें बुनना है। जितनी लंबाई हमने इसकी बनाई है, उतनी लंबाई हमें इस पार्ट की भी बनानी है। हमने यहाँ पे ऊपर 25 फंदे रखे हैं और इस पार्ट में भी हम ऊपर 25 फंदे रखेंगे। देखिए इसी तरह से हम इसे भी ऐसे घटाते हुए जाएंगे। यहाँ तक हम सीधे सीधे सिलाइयों में घटाएंगे, उसके बाद हम चौथी सिलाई पे यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे, और जब हमारे 25 फंदे हो जाएंगे, तब हम फंदे घटाना बंद कर देंगे, जिस तरह से हमने ये वाला पार्ट बनाया है। तो मैं ये वाले पार्ट की तरह ये वाला पार्ट भी बना लेती हूँ। जितनी लंबाई मैंने इसमें बनाई है, उतनी लंबाई मैं इसमें भी बना लेती हूँ। तो इसके आगे का स्वेटर मैं इसके अगले वीडियो में बना के बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।